हेलो फैमिली, स्वागत है आपका आपको और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद एन के मैं हूँ करण कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सबको तो पता है कि मैं हमारे इस चैनल पर डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ, तो आज उसी सिलसिले में आ चुका हूँ अपने वाराणसी के कजाकपुरा में, जहाँ कि अपने वाराणसी का सबसे ऊँचा और सबसे लंबा रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है। और इस ब्रिज की खासियत ये है कि ये सबसे लंबा और सबसे ऊँचा होने के साथ साथ ये दो रेलवे ट्रैक को पार कर रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको वही दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा। उससे पहले आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं। तो साथियों, अभी हम लोग राजघाट कैंट मार्ग पर मौजूद हैं। आप ये जो रास्ता देख रहे हैं सीधा चला जाता है कैंट के लिए, जैसा कि इधर ढलान का काम हो चुका है, और वहीं ये बाएं साइड का जो रास्ता देख रहे हैं ये चला जाता है सीधे राजघाट के लिए, और सामने चौकी लाट भैरव, और यहाँ से देखिए एक रास्ता ये जो कटा हुआ है अंदर ये चला जाता है सीधे कजाकपुर कुनिया के लिए। और यहाँ पर जो है कि देखिए अभी सामने का जो पिलर बना था उसके बाद एक जो पिलर बनना था यहाँ पे ये पिलर बनाया जा रहा है जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, और ये रास्ता बैरिकेडिंग किया गया है, बंद किया गया है। और इधर जो है देख रहे हैं ये जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है गाटर लॉन्च कर दिया गया है सारा कुछ। अभी आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं तीन पिलर बना हुआ है, वैसे तो ऐसे उधर साइड भी बना हुआ है, और मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि दूर से दिखाऊं। और जैसा कि देख रहे हैं ये रेलवे क्रॉसिंग एकदम बंद कर दिया गया है, और ये जब तैयार कर लिया जाएगा तो फिर लोग ऊपर से ही आएंगे जाएंगे। देख रहे हैं ये है कुछ ऐसा ही है, और मैं आपको थोड़ा दूर से चल के दिखा दे रहा हूँ ताकि ऊपर से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में भी आएगा कि हाँ कैसा है यहाँ का व्यवस्था। जैसा कि देख रहे हैं इधर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा अभी बेस तैयार किया गया है जो कि सारा काम किया जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं ये पूरा एकदम यही है। एक बार मैं इधर से आपको घुमा दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं पूरा लगभग में तैयार कर लिया गया है, और ये सारा एकदम बेस तैयार किया गया है, और इस पे से धीरे धीरे लगा लगा के वेल्डिंग किया जा रहा है। अभी तो फिलहाल में मज़दूर भाई लोग अपने ऊपर लगे नहीं हुए हैं, यानी कि अभी काम तो फिलहाल में बंद है। और अभी आगे भी हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि जो पचकोसी वाला मार्ग है उस पर कितना कार्य हुआ है, यानी कि ढलान का काम हुआ है कि नहीं, आगे फिर पिलर वगैरह बना हुआ है कि नहीं। देख रहे हैं सारा एकदम बना हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से इस पर काम हो रहा है, लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूँ काम बंद है। और सेम ऐसा ही जो आरओबी है वो फुलवरिया भी बना हुआ है, और पहला जो ये मॉडल का आरओबी था वो तो देखिए पहले बना है राजघाट आरओबी, उसके बाद फिर सेम आरओबी बना है मड़वाड़ी पे, उसके बाद फिर वही सेम मॉडल तैयार किया गया है फुलवरिया वाले पे। तो देख रहे हैं जैसा कि इधर से ये सारा एकदम तैयार कर लिया गया है, और ये सारा सिलेंडर है, वेल्डिंग वगैरह किया जा रहा है, आप ऊपर का कुछ नज़ारा ही देख सकते हैं। और इधर भी तीन पिलर तैयार किया गया है, और अब चल रहे हैं आगे, और आगे आपको राइड करके दिखाएंगे आगे का जो भी कार्य है, क्योंकि नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आगे का राइड करके मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। जैसा कि देख रहे हैं इधर काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी तेज़ गति आ गई इसमें, काफ़ी लेकिन स्लो गति से ये कार्य हो रहा था, अब काफ़ी तेज़ गति आ गई है। तो अभी मैं अपने बाइक के पास आ चुका हूँ, और यहाँ से चलेंगे और दिखाएंगे। और जैसा कि इधर देख रहे हैं सामने पूरा मकान वगैरह सारा तोड़ा गया है सबका, तो चलिए यहाँ से चलते हैं आगे और आगे भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं, जैसे कि आगे कितना कार्य हुआ है। जैसा कि इधर आप देख रहे हैं कि पिलर वगैरह तो बना दिए गए हैं, और कहीं कहीं पे बाकी हैं, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं कि दाहिने साइड पे पिलर अभी बाकी है, और बाएं साइड पे तो लगभग तैयार है, और आगे का भी पिलर तैयार ही है, और बीच में ज्वाइंट करने का काम अभी बाकी है। जैसा कि इधर देख रहे हैं इधर गटर वगैरह लगाया जा रहा है ज्वाइंटिंग का काम करने के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो आरओबी बन रहा है ये लगभग 1400 मीटर लंबा बनाया जा रहा है, और लागत की बात करें तो इसे लगभग 145 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, यानी कि इसका जो स्टार्टिंग बजट है वो मैं बता रहा हूँ। जब स्टार्ट हुआ था बजट, मतलब प्रोजेक्ट 2019 में, तब ये का ये बजट है। अब तो खैर इसका बजट बढ़ गया होगा क्योंकि मॉडल थोड़ा चेंज हुआ है,
प्रोजेक्ट जो है 2019 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसमें काफ़ी समस्याएं थी, इस वजह से लेट होता गया, और अब 2023 भी बीतने वाला है और इसको 24 में पूरा करना है, यानी कि पहले तो 22 में इसे पूरा करना था, उसके बाद फिर से डेट बढ़ा दिया गया, अब 2024 में इसे पूरा करना है। देखें अभी एक हम लोग रेलवे ट्रैक पार करके आए, दूसरा रेलवे ट्रैक है यही है जो कि यहाँ पे सबसे ऊंचा बनाया जाएगा इसको पार करने के लिए, इस वजह से सबसे ऊंचा और सबसे लंबा ब्रिज हो रहा है रेलवे ब्रिज। ऊपर से ट्रेन जा रहा है, नीचे से हम लोग चलेंगे, और उसके बाद जब ये पुल बन जाएगा तो उसके ऊपर से भी हम ही लोग चलेंगे। देख रहे इधर तो अभी पिलर बनाना बाकी है और आगे बना हुआ है, और ये जो पुल बनाने का काम है राज्य सेतु निगम करे, और जो रोड बनाने का काम है वो PWD करेगा। हालांकि इसमें तो रोड बनाना नहीं है, पुल ही बनाना है, तो थोड़ा बहुत जो रोड की कटिंग वगैरह होगी उसकी बात करें। यहाँ पे देखिए जो है पिलर के बीच का जॉइंटिंग का काम हो गया, और ऊपर जो पिलर ढालने का काम किया जाएगा ये उसके लिए ऊपर परमा पहुँचाया जा रहा है, लोग लगे हुए हैं, तो हम लोग साइड से चलेंगे। देख रहे हैं रोड एकदम खराब हो चुका है, और ये जो है ना पिलर ऊपर डाला जाएगा उसके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। यहाँ पे मशीन आके लग चुकी है जो कि मिक्स करके मटेरियल को ऊपर भेजेगा और ढाला जाएगा जो है पिलर। यहाँ से हम लोग चलेंगे बीच में से, फिर आगे से हम लोग को कटना ही है। देख रहे हैं इधर तो लगभग में सारा काम हो ही गया है, सारा काम नहीं मतलब पिलर ढालने का काम हो गया और ज्वाइंट करने का काम हो गया बीच में से, और अभी उसका सेंटरिंग वगैरह खुल गया है, लेकिन जो साइड साइड में लगाया गया था यानी कि फ्रेम टाइप उसको कवर करने के लिए, वो सब अभी कहीं कहीं पे हटाया नहीं गया है, वो भी अभी हटाया जाएगा। लेकिन रोड का हालत बहुत ख़राब हो चुका है, लेकिन ये पुल बन जाने के बाद लोगों को काफ़ी राहत होगी, जिस किसी को भी सारनाथ पचकोसी जाना है या फिर पचकोसी साइड से आ रहे हैं पड़ाव कैंट जाना है तो उनके लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, नहीं तो काफ़ी समस्या होता है। पतले से रोड से गली में जाना होता था और काफ़ी समस्या होता था और जाम हमेशा लगता था, भारी वाहन भी नहीं आ पाते थे, लेकिन अब जो है इसके बन जाने के बाद काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। जैसा कि इधर देख रहे हैं इधर पिलर वगैरह सारे तैयार कर लिए गए हैं, और अब ढलान का काम बाकी है, यहाँ पर जो है छड़ वगैरह ला कर रख दिया गया है ढलाई करने के लिए ऊपर से, क्योंकि इधर अभी पूरा ढलाई करना है। देखिए यहाँ पर जो है इसके बाद अब पिलर नहीं बनाया जाएगा, बस इसके बाद से अब ढलाई का ही काम किया जाएगा, मतलब ढलान का काम किया जाएगा सीधे पूरा पैक करके एकदम। देखिए यही जो गाटर ये वहाँ पे जाके लग रहा है रेलवे ट्रैक पर, देखिए बीच में से जो इधर का देखिए जिस ट्रैक से भी हम लोग चल रहे जिस साइड से इधर का रोड पे गिट्टी उट्टी डाला गया, बीच में से डिवाइडर तोड़ के हटा लिया गया है, और आगे से भी रास्ता ब्लॉक किया गया है ताकि भारी वाहन इधर से ना आए, बस ऑटो रिक्शा ही आ रहा है और बाइक वाले जा रहे हैं साइकिल वाले जा रहे हैं, फोर व्हीलर ये सब नहीं आएगा जाएगा। देख रहे हैं यहाँ से ये रास्ता एकदम बंद कर दिया गया है, और यहाँ पे गार्ड लगे हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे गार्ड लगे हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों को लाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।